सभी को खुरमगरी नमस्ते। मेरा नाम सुप्रिया कंगुजम है और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू टुडे। तो आप सब ये सब डेकोरेशन देख सकते हो, ये सब रंग बिरंगी लाइट देख सकते हो, बहुत सारे बिल्डिंग्स में ये सब सजा हुआ है और बहुत सारे फ्लोर्स पे आप देख सकते हो, ऊपर या नीचे सब जगह पे आप सब डेकोरेट कर रहे हो और आपके घर में भी डेकोरेट हो आप कर भी रहे होंगे और रंगोली के साथ बहुत सारे दिया के साथ। तो आप दिवाली फेस्टिवल अगर आप सेलिब्रेट करते हो तो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो अगर आप ये सब डेकोरेट कर रहे हो तो बहुत सुंदर लगता है, हमारे घर को बहुत सुंदर बनाता है और जब हम ये सब देखते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, बस एक दिक्कत है जो मुझे बहुत जैसे परेशान करती रहती है, मैं बहुत सैड हूँ लेकर। तो ये परेशानी है कि आप सब बहुत सारे फायर क्रैकर्स होता ना, आप सब यूज कर रहे हो, वो सब बर्स्ट कर रहे हो और मैं नहीं चाहती कि आप सब वो करो क्योंकि वो बहुत गंदी बात है हमारे एनवायरनमेंट की, वो ठीक नहीं है हमारे एनवायरनमेंट की। और बहुत सारे कारण है, रीजन है, हमें बर्न नहीं करना चाहिए फायर क्रैकर्स को, हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे कारण, फर्स्ट तो एयर पोल्यूशन करता है, हमारे एयर को पोल्यूट करता है। तो अगर क्लीन एयर होगा ही नहीं, पोल्यूटेड एयर होगा तो हम कहाँ से सांस लेंगे। और दूसरी पॉइंट है कि ये सब नॉइज पोल्यूशन करता है, बहुत सारे आप देख सकते हैं बहुत सारे जानवरों भी है जो नॉइज पोल्यूशन के साथ वो नहीं कर सकते और बहुत सारे लोग भी होते हैं, तो हमें नॉइज पोल्यूशन भी नहीं स्प्रेड करना चाहिए। और ये सब बहुत सारे पोल्यूशन भी स्प्रेड करता है, आप सब जैसे बर्स्ट करके आप वो सब वाटर बॉडीज में जाता है, हम बस ऐसे ही थ्रो कर लेते हैं और एनिमल्स खाते रहते हैं और ये हमारे लिए, जैसे एयर को अगर पोल्यूट करेंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे, हमें बस पोल्यूटेड एयर हम सांस लेंगे और दिक्कत होगी। अगर आप अपने बच्चों के लिए सोचोगे, जानवरों के लिए सोचोगे, आपके लिए सोचोगे, खुद के लिए, मैं अपने लिए नहीं बोल रही, मैं आप सबके लिए बोल रही हूँ, तो आपको नहीं यूज करना चाहिए फायर क्रैकर्स। बस यही मेरी मैसेज है आज की। और फिर से हैप्पी दिवाली एवरीवन, आप सब सेलिब्रेट करना दिवाली को एज अ ग्रीन दिवाली। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।